एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे उत्तराखंड की खीर, जिसे हम कहते हैं झंगोरे की खीर। झंगोरे को हम सामी के चावल भी कहते हैं। इसको आप व्रत के टाइम भी आराम से खा सकते हैं। सो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी खीर। सबसे पहले हम चूल्हे को जला देते हैं और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है दूध। ये करीबन 1 किलो से ज्यादा दूध है। दूध आप जितना ज्यादा लेंगे उतनी आपकी खीर टेस्टी बनेगी। तो दूध को हम पहले अच्छी तरीके से गाढ़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हुए सांवे के चावल, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह होते हैं, गोल गोल होते हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है क्योंकि इसमें कचरा बहुत होता है, इसलिए 2-3-4 बार आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और करीबन 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से सोक कर लेते हैं, जिससे ये थोड़े मुलायम हो जाएंगे। तो अब हम डाल देते हैं इसमें पानी। पानी डाल दूंगी, 1 कप पानी डालेंगे और इसको अच्छे से सोक करने के लिए रख देते हैं करीबन 10 मिनट के लिए। दूध को गैस में इसी तरह छोड़ेंगे नहीं, इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। तो अब दूध को हम थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं, जब तक ये आधा नहीं हो जाता तब तक हम इसको इसी तरह स्टर करते रहते हैं। बहुत ही टेस्टी और व्रत के टाइम आप इस खीर को बना सकते हो। साथ ही साथ ये उत्तराखंडी ट्रेडिशनल खीर है। ज्यादातर लोग इसे सांवे की खीर के नाम से भी जानते हैं, पर यहाँ पे इसे झंगोरे की खीर कहते हैं। फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद हमारा झंगोरा अच्छे से सोक हो चुका है और ये आप देख सकते हैं टूट भी रहा है, तो ये एकदम तैयार है। तो अब हम इसको डाल देते हैं हमारे गर्म दूध में। अब हम इसमें डालेंगे हमारा झंगोरा, तो सारा डाल देते हैं। और अब इसको अच्छी तरीके से हम गर्म होने देते हैं, जब तक एक उबाल आने का वेट करेंगे, हाई में और एक सिम में। और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। फ्रेंड्स, अब दूध आधा हो चुका है, तो अब इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, हमें नॉर्मल पसंद है। इसमें मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ, तो चीनी डाल देंगे। और ये गांव की चीनी है तो ये मीठी भी होती है। और चीनी डालने के बाद हम इसको लगातार स्टर करेंगे अच्छे से। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो ये मैंने घर पे प्रिपेयर किया है इलायचियों को लेके, तो इलायची पाउडर डाल देते, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और आप चाहें तो आप बाहर पाउडर्ड इलायची भी ले सकते हैं, पर गांव में ये अवेलेबल थी इसलिए मैंने डाल दिया। और अब हम इसको अच्छे से स्टर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, करीबन 30 मिनट बाद हमारी खीर बहुत ही अच्छी गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी लग रही है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो लास्ट में मैं इसमें डालूंगी किशमिश, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और हम डालेंगे थोड़े से बादाम। और अब मैं इसको अच्छे से ठंडा होने देती हूँ और ठंडा होने के बाद हम इसको ले लेंगे सर्विंग बोल में। फ्रेंड्स, हमारी उत्तराखंडी झंगोरे की खीर बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती, क्योंकि ये चूल्हे में बनाया है तो इसका स्वाद और टेस्टी हो जाता है। तो अब मैं इसको लूंगी सर्विंग बोल में। गांव में इस तरह इसको सर्व करते हैं, ये हमारे पास पत्ते हैं और पत्तों में इसको सर्व करते हैं। तो इसमें मैं डाल देती हूँ हमारी खीर। फ्रेंड्स, हमारी उत्तराखंडी झंगोरे की खीर बनकर तैयार है। लास्ट में मैं इसको गार्निश करूंगी किशमिश से। यहाँ पे मैंने कुछ किशमिश ले लिया था। और फ्रेंड्स, आप इस तरह से उत्तराखंडी झंगोरे की खीर अपने घर में जरूर बनाइएगा। चूल्हे से बनाने में इसका टेस्ट और भी टेस्टी हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। वापस मिलूंगी कानी रेसिपी के साथ। बाय।